हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे आई विल टीच यू अबाउट फिजिक्स ऑफ फर्स्ट ईयर. सो टुडे माय टॉपिक इज कंट्रीब्यूशन ऑफ अल-बेरूनी. सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वांट टू से यू समथिंग. मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो कर लें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा. सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशंस ऑफ अल-बेरूनी. सही है, ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे. सही है, ही प्रैक्टिकली प्रूव दैट अर्थ इज राउंड नॉट फ्लैट. सबसे पहले जो इनकी कंट्रीब्यूशन थी वो ये थी कि इन्होंने साबित करके दिखाया प्रैक्टिकली कि जो अर्थ की शेप है वो राउंड है, फ्लैट नहीं. फ्लैट का मतलब सीधी नहीं है. सबसे पहले इनकी कामयाबी कंट्रीब्यूशन थी. ठीक है, दूसरी ही मेजर्ड, सही है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ. भाई देखें, सर्कमफेरेंस आपको पता है पूरे सर्कल का जो हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं हम सर्कमफेरेंस. तो ये इन्होंने ही बताया था सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ. अल-बेरूनी ने बताया था सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ. आगे ही फाउंड द डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट मेटल्स. इन्होंने हर तरह के डिफरेंट मेटल्स के डेंसिटी कैलकुलेट करके बताई थी. आगे इनकी जो फेमस बुक है जिनका नाम है किताबुल कानूनुल मौसूदी इज कंसाइडर्ड एज इन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने क्या करा था, इंसाइक्लोपीडिया लिखी थी. सही है, और इन साइंटिस्ट के बारे में आपको पता भी है कि इन्होंने कितनी चीज़ें पढ़ी, इनकी फील्ड क्या थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, बहुत सारी थी एक्सेट्रा. तो इन्होंने इतनी सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च की है. अब तो ये कहना, ये हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनके पास बहुत नॉलेज थी. सही है, तो अब यहाँ पे बात कर लें इनके पांचवें पॉइंट के बारे में कि ही डिस्कस्ड द मूवमेंट ऑफ सन, द मून एंड द अदर प्लैनेट्स एंड आल्सो द पेजेस ऑफ मून. इन्होंने मून की सूरत भी बताई थी और यहाँ पर इन्होंने सन के बारे में, मून के बारे में भी बताया और अदर प्लैनेट्स की मूवमेंट किस तरह से मूव करते हैं वो भी बताया था. तो यहाँ जाके हमारा अल-बेरूनी की कंट्रीब्यूशन बहुत है. अल-बेरूनी की कंट्रीब्यूशन बहुत है, लेकिन अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिए. तो है तो बहुत, आपको कॉपियों में मिल जाएगी, बुकों में मिल जाएगी, लेकिन पांच पॉइंट बहुत होते हैं किसी भी चीज़ को समझाने के लिए, इनकी कंट्रीब्यूशन बताने के लिए. तो आप बात कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल सलाम. तो शी प्रेजेंटेड ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी इन विच, जिसमें ही वॉज यूनाइटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर फील्ड्स के बारे में. तो इन्होंने एक प्रेजेंट मतलब दिखाया कि शो कराया कि प्रेजेंट करा हमारे सामने कि एक ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी को. सही है, एक ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी है जिसमें ही वॉज यूनाइटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया अकेला अकेला करके, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर फील्ड्स के बारे में. समझ गए, तो अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में कि ये क्या चाहता है दूसरा पॉइंट. ठीक है, ही एक्सप्रेस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स विद वन सेट ऑफ इक्वेशन. तो एक ही बारी में इन्होंने क्या करा था, एक्सप्रेस कर दी थी ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड न्यूक्लियर फिजिक्स की प्रॉपर्टीज, करेक्टरिस्टिक्स. अब यहाँ पर देखते हैं ही इस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है, कायम करना. ही इस्टेब्लिश द इंटरनेशनल सेंटर, सही है, सेंटर कायम किया फॉर, किस लिए, थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए, एट ट्राइस्टल इटली. तो इटली के अंदर क्या है, ट्राइस्टल में करा था, जहाँ, वेयर का मतलब जहाँ साइंटिस्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, बड़े मशहूर जो डेवलप कंट्रीज थी जो बहुत मशहूर हो जाती हैं, जिनके पास पैसा बहुत हो जाता है, डेवलपिंग बहुत उनके पास आशें होती हैं, वो उनको हम बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज. सही है, से साइंटिस्ट को क्या होता, आर गिविंग चांसेस फॉर रिसर्च, उनको चांस मौका दिया जा रहा था रिसर्च करने का. तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट. आखिरी चौथा मेन पॉइंट याद रख लें, ये पहले पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे. सही है,
जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। यही मैंने लिखा है कि ही इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट, पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वॉज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज। सो आगे चलते हैं, अब बात करेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है। तो मेजरमेंट को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ के लिए करूँगा कि क्या क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है मेजरमेंट की। सही है, मेजरमेंट का मतलब क्या है? नापना। सही है, ऐसे तो हम किसी को भी क्या बोलते हैं, मेजरमेंट नापना। सही है, लेकिन मेजरमेंट को फिजिक्स में कैसे हम लोग समझते हैं, क्या डेफिनेशन है और क्या यूनिट्स होते हैं, कौन से यूनिट्स होते हैं, क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ है, सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, तो आप बात करेंगे मेजरमेंट के ऊपर कि मेजरमेंट क्या होती है फिज़िक्स में, और यहाँ पर मेजरमेंट हमारा इंग्लिश का वर्ड और इसकी मीनिंग होती है नापना। क्या होती है? नापना। तो यहाँ पर आपके लिए एक वेट स्केल मैंने यहाँ रखा है। सही है, अब हम इसके ज़रिए समझेंगे कि मेजरमेंट क्या होती हैं, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे कि यूनिट्स क्या होते हैं। सही है, हमें यूनिट की क्यों ज़रूरत पड़ती है, कितने तरह के सिस्टम हैं, तो वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा काम है वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है भाई? देखें, इसकी जो डेफिनेशन है वो एक सिंपल है, लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखें, नापना है ना, इसका मतलब देखें, अगर आप कोई भी चीज़ तराजू, देखें इस तराजू में, अब कोई आपकी दुकान पर आता है, सही, बोलता है कि मुझे 1 kg सरफ दे दो। क्या बोलता है? सरफ की दुकान है आपकी, क्या आपके पास होकर बोलता है कि 1 kg सरफ दे दो। अब आपके पास पूरा कट्टा है, सही है, अब आपको तो उसको मेजर करके नाप के ही देना पड़ेगा, उसने तो 1 kg मांगा है। सही है, तो अब कंपैरिजन होगा। एक आसान वाली मिसाल देता हूँ कि आपके पास एक तोला है। सही है, तोला है जिसको पकड़ते हैं, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखें, पकड़ के रखते हैं, देखें इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आइए, इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है कि एक यहाँ पर रख दो, एक यहाँ पर रख दो, और ये कटोरे की तरह आ जाता है। आइए देखिए, एक चीज़ एक जगह पर आप क्या करते हैं, अपना एक किलो का बाट रखते हैं। क्या रखते हैं? 1 kg का बाट। उस दूसरी जगह पर आप क्या रखते हैं? वो क्वांटिटी जिसका आपको नापना है। जैसे कि सरफ भर रहे हैं आप, अभी क्या भर रहे हैं? सरफ। अब उस सरफ को 1 kg करना है। अब देख, तो आप इसको यहाँ रखेंगे, और जबकि आपको 1 kg करना है तो आप 1 kg का बाट यहाँ रखेंगे। तो जब वो इसके बराबर आ जाएगी, 1 kg के सरफ बराबर आ जाएगा, तो ये एक लाइन हो जाएगी पूरी, बराबर बैलेंस हो जाएगा, तो उस वक्त आपका मेजर हो जाएगा। तो ये होती है मेजरमेंट। अब इसी के ज़रिए वेट स्केल है। सही है, अब इसके ऊपर रखूँगा तो मुझे यहाँ से ये बताएगा कि इसका कितना वेट आ रहा है। अब देखें, ये मेरे पास 1 kg सरफ की थैली है। सही है, इसको नापे ज़रा, कितना है? 1 kg। सही है, तो ये 1 kg मुझे बता रहा है कि ये कंपैरिजन हुआ है इसके साथ। क्या हुआ है? कंपैरिजन। तो कंपैरिजन होता कितनी चीज़ों में? दो चीज़ों के दरमियान में। किसके दरमियान में होता है? दो चीज़ों के दरमियान में। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, 1 kg यहाँ रखा, तो इसको कंपैरिजन में रख के आप क्या कर रहे हैं? उसको बराबर कर रहे हैं ताकि इसके बराबर हो जाए। समझ में आए? तो ये कंपैरिजन है, और ये हमारा एक स्टैंडर्ड कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? एक स्टैंडर्ड, क्योंकि हमने 1 kg बना लिया, ये हमारा स्टैंडर्ड है, उसके बराबर करना है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड है। तो अब हमें ये हमारी जो चीज़ है वो है अननोन क्वांटिटी। क्या होगी? अननोन क्वांटिटी, जिसकी हम मिकदार नहीं जानते, वो चीज़ नापेंगे ना, जिसकी मिकदार आपको नहीं पता होगी, वही तो चीज़ आपको नापनी है कि कितना है। आप बाजार से मुर्गी खरीद के लाए 1.5 kg, आपको क्या पता उसने कम दिए ज़्यादा दिए, आप आके तोलेंगे कितनी है भाई? सही है भाई, तो सही दिए 1.5 kg है, आपने इसको बोला था 1.5 kg का। यूनिट पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, यूनिट में आपको समझाऊंगा, इसमें यूनिट में इस्तेमाल कर रहा हूँ डायरेक्ट kg, क्योंकि हमारा ये फंडामेंटल यूनिट है kg, तो वो हम सिंपल इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को तोलने के लिए kg। अब अगर बात करूँ मैं लेंथ की, किसकी बात करूँ? लंबाई की। तो अगर मुझे इस बोर्ड की लंबाई नापनी है, सही है, तो इसके लिए यूनिट क्या लगेगा? मीटर भी लग सकता है, सेंटीमीटर भी लग सकता है, मिलीमीटर भी लग सकता है, बहुत यूनिट है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, उसको सब समझाऊंगा कैसे करना है। देखें, सबसे पहले तो मैं एक इंची टेप ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ?
एक इंची डेप लेंथ ना, लेंथ को नापूंगा तो क्या मैं इसके ऊपर रख के नापूंगा? नैप नहीं, आप बोलेंगे नहीं लेंथ को इसके ऊपर थोड़ी नाप सकते हैं। इसके लिए हमारे पास अलग चीज़ है, हमारे पास इंची टेप है, इससे नापेंगे हम। देखिए अब इसके अंदर यह हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कितना ले रहे हैं, सही है। देखें यहाँ से लेके यहाँ तक मैं अगर इसको नापता हूँ तो मुझे इससे लंबाई पता चल जाएगी, इसकी क्या पता चल जाएगी, लंबाई। अब आप दुकान पे गए इस बोर्ड को लेने, क्या गए इस बोर्ड को, आप गए दुकानदार के पास, शॉपकीपर के पास, और आपने बोला उसको मुझे 6x4 का बोर्ड दे दो। तो अब मुझे बताएं कि वो बिना नापे आपको बोर्ड दे देगा? नहीं भाई, पहले तो चेक करेगा देने से पहले कि ये 6x4 का है, तो ये कंपैरिजन है, सही है। तो वो पहले नापेगा कि उस इंची टेप के ज़रिए, सही है, और ये इसके लिए फिक्स है, ये स्टैंडर्ड बन गया इसके लिए। अब इसके ज़रिए वो नापेगा ये कितना है, ये अननोन है, सही है, ये अननोन क्वांटिटी है हमारी, हम इसको नहीं जानते कितना बड़ा है। हम इसको नाप के देखेंगे, इसके बराबर आएगा जितना है हम बता देंगे। तो ये होती है मेजरमेंट, नापना किसी चीज़ को। तो इसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन है, वो मैं आपको लिखवाता हूँ, पहले मैं इसको साइड में करता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं मेजरमेंट्स के बारे में। तो मेजरमेंट मैंने आपको समझाया कि क्या होती है, सही है, किसी भी चीज़ का अननोन क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन करना, सही है। कंपैरिजन से मुराद कि आपने एक तोला लिया, आपने उसमें एक नॉन क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं 1 kg आपने रख दिया, जिसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड, सही है, 1 kg। अब आपको दूसरे वाला जिसको आप नहीं जानते कितनी मिकदार है, तो वो आपको पुट करके आपको उसके बराबर कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कंपैरिजन के बराबर हो चुका है, तो आप इसको मेजर कर लिया। तो इसी के बिना पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, मेजरमेंट मींस, मेजरमेंट का मतलब, नापने का मतलब, द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी जिसे हम ना जानते हो विथ अ स्टैंडर्ड, किसी स्टैंडर्ड, मतलब 1 kg मैंने यहाँ स्टैंडर्ड रखा, आप कुछ और रख सकते हैं, टू सी, देखने के लिए, हाउ मैनी टाइम्स इट इज बिग और स्मॉल एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड। तो दिस इज द डेफिनेशन। सो क्या लिखा हुआ है कि देखने के लिए कितने टाइम्स, यहाँ टाइम्स से मुराद वो टाइम नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन वाला टाइम्स है ये वाला, ठीक है, कि वो कितना बड़ा या छोटा है स्टैंडर्ड के मुकाबले में। मतलब अगर 1 kg रखा है तो उसके मुकाबले में वो कितना कम है, उसको देखने के लिए, या कितना ज़्यादा है। तो यहाँ मेजरमेंट ख़त्म हुआ, अब बात करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। What are physical quantities? सही है, तो physical quantities की मैं definition लिखवाता हूँ, सही है। तो क्या हमें भाई, देखो अगर सीधी सीधी बात करूँ तो physical quantities की definition ये बनती है, कुछ भी जिसे हम मेजर कर सकें, हम नाप सकें, वो physical quantities है, सही है। जैसे कि length, mass, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, जिसे भी हम मेजर नाप सकते हैं, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो फर्स्ट आई शुड राइट द डेफिनेशन। सो क्या लिखना है हमारे को, फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़। चलो भाई, क्या बोला था मैंने, Anything which we can measure is called physical quantities, are called physical quantities। आइए फॉर एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखें, मास, टाइम, वेलोसिटी, टेम्परेचर एंड स्पीड एक्सेट्रा,
तो भाई बहुत सारी है फिजिकल क्वांटिटीज़, कोई मजाक नहीं है, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत सारी हैं, तो मैंने कुछ लिख दी हैं, सही है। अब यहाँ बात आती है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने हिस्सों में डिवाइड हो रही है। तो ये बात यार याद रख लें कि फिजिकल क्वांटिटीज़ दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, सही है। कौन कौन से? जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं? यहाँ मैं एक लाइन बना देता हूँ। सबसे पहली वाली को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। फंडामेंटल इसका एक और नाम है, मैं आपको बताता हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, सही है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या आएगी? ड्राइव क्वांटिटीज़। सही है, ये दो क्वांटिटीज़ है हमारे पास। को थोड़ा सा साइड में करके देखता हूँ ताकि आपको हर चीज़ नज़र आए, रुक जाए। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भाई देखें, अब हो क्या रहा है कि हमने इस फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया, सही है। जिनको हमने नाम दिया, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और जो दूसरी वाली है उसको नाम दिया फिजिकल ड्राइव क्वांटिटीज़। अब देखें, इस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है बेसिक, सही है। तो हम इसको बोलते हैं बेसिक क्वांटिटीज़, सही है, या बेस क्वांटिटी, सॉरी बेस क्वांटिटीज़ नाम है। क्या है? यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, हम एक और नाम से बोलते हैं जिसको बोलते हैं बेस क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटीज़। अब याद रखिएगा अपनी ज़िंदगी में, सही है, किस बेस क्वांटिटीज़ सिर्फ हमारे पास सात हैं। कितनी हैं? सात। कितनी हैं? सात। बाकी ड्राइव तो बहुत हैं, क्योंकि हम ड्राइव कर रहे हैं। ड्राइव से मुराद है कि किसी चीज़ को आपने फंडामेंट इसी के यूनिट्स इसी से फंडामेंटल क्वांटिटी से ही ड्राइव करा हो। अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, अब समझ में आएगा। सबसे पहले मैं इसके सात नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। कितने नाम है इसके? सात। सात हमारे पास फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। तो आई एम गोइंग टू राइट, पहले हमारे पास आती है टाइम। क्या आ गया? टाइम। दूसरा आता है लेंथ। तीसरा आता है मास। चौथा आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। पांचवा आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। छठा आता है अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ आना चाहिए, छठा हमारे पास आ गया टेम्परेचर। और सातवां एंड द लास्ट वन इज क्या बोलते हैं उसको, वेट, इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। चलो भाई, ये तो आ गए, ये आ गए सात नाम, बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब कोई टेंशन नहीं रही कि हमारे पास सिर्फ सात ही है, इसको याद करने वाली कौन सी है? सिर्फ सात ही है। मसला आता है ड्राइव में, ये भी कोई बड़ा मसला नहीं है भाई। इस ड्राइव का मतलब है हम इसको ड्राइव करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मदद से, सही है। कैसे करेंगे? अब देखें भाई, सॉरी एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं हम, सही है। किसकी बात कर रहे हैं? क्वांटिटीज़ की। वो यूनिट की बात पे आ गया था मैं थोड़ी सी। अब देखें, क्वांटिटीज़ ड्राइव वाली क्या है? देखें, जो ड्राइव हुई हो, ड्राइव क्वांटिटीज़ की क्या मुराद है? जो ड्राइव हुई हो। देखिए, हम लोग डेरिवेशन करते हैं, क्या करते हैं हम डेरिवेशन क्यों करते हैं? एक फॉर्मूला बनाने के लिए। किस लिए करते हैं? फोर्स का फॉर्मूला बनाने के लिए। फोर्स हमारा क्या बोलती है? फोर्स हमारा किसके बराबर होता है? फोर्स इक्वल टू एम ए। ये मास और ऐसी रिलेशन को मिलाया, मल्टीप्लाई कराया, तो हमारे को क्या मिला? फोर्स मिला, सही बात है। वेलोसिटी,
वेलोसिटी कब मिली? जब हमने डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कराया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, तो हमें क्या मिला? वेलोसिटी। तो ये जो ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं, क्या होती हैं? ड्राइव। थर्ड लॉ, सेकंड लॉ सब पढ़ा है आपने, VF इक्वल टू VI प्लस AT, ये पढ़ी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी पढ़ी होगी। S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये भी पढ़ी होगी, ये भी आपने पढ़ी होगी। VF स्क्वायर इक्वल टू ये नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ये भी आपने सुनी हो, पढ़ी होगी भाई। तो ये हमारी ड्राइव है, क्या है? ड्राइव क्वांटिटीज, जिससे हमने ड्राइव करा है। तो ये होती है ड्राइव क्वांटिटीज। अब जो मेन बात आती है वो आती है यूनिट्स की। किसकी बात आती है? यूनिट्स की। भाई देखें, यूनिट को भी हमने डिवाइड करा हुआ है। क्या करा हुआ है? यूनिट को भी हम बोलते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होंगे वो तो आप समझ गए होंगे, जो इनके यूनिट्स होंगे। क्या होंगे? जो इनके यूनिट्स होंगे वही तो फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। तो इनके यूनिट, अब बात कर लेते हैं इनके यूनिट के बारे में कि यूनिट क्या होंगे। देखें, हमें पता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं ये, तो इसी तरीके से फंडामेंटल यूनिट्स भी हैं, ड्राइव यूनिट भी हैं, सही है। तो फंडामेंटल यूनिट्स आप लोग समझ गए होंगे कौन से होंगे। फंडामेंटल यूनिट्स जो वही होंगे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के होंगे। कुछ भी समझ में नहीं आया, अभी समझाता हूँ। देखिए, एक लाइन बनाता हूँ, सही है, यहाँ मैंने एक लाइन खींची, सही है। अब इनके जो मैं SI यूनिट लिखूँगा, सही है, वही तो फंडामेंटल यूनिट हो गए। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ही तो यूनिट फंडामेंटल यूनिट कहलाएंगे, सही है। अब यहाँ मैं जो यूनिट लिखूँगा ना वो SI यूनिट लिखूँगा। SI यूनिट का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, जो सारे मुल्कों में चलते हों, जो सारे मुल्कों में जाने जाते हों, उनको बोलते हैं SI यूनिट। इनकी पूरी डिटेल दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। देखिए, टाइम का जो SI यूनिट होता है वो होता है सेकेंड, लेंथ का जो होता है वो होता है मीटर, SI की बात कर रहा हूँ, KG, मास का होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडीला, अमाउंट ऑफ सस्टेंस का होता है मोल, टेम्परेचर का होता है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर। सो ये होगा इनके यूनिट्स, ये इनके यूनिट्स के सिंबल हैं। क्या है? सिंबल, इनके यूनिट के सिंबल हैं ये, सही है। उनको पूरा लिखेंगे तो वो तो आपको स्पेलिंग पता ही होगी, लिख लेंगे, सही है। अब इसी तरीके से अब बात करेंगे ड्राइव क्वांटिटीज़ के। ड्राइव क्वांटिटीज़ के यूनिट हमेशा याद रखिएगा फंडामेंटल क्वांटिटी से ही निकलते हैं, फंडामेंटल यूनिट से ही निकलते हैं, समझ में आई। ड्राइव क्वांटिटीज़ के यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट से ही निकलते हैं, अपने दिमाग में डालें। अब देखें, अब आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखें, ये फोर्स इक्वल टू, फोर्स बराबर होती है MA, मास इंटू वेलोसिटी, ओ ऐसी रिलेशन, सही है। अब ऐसी रिलेशन इज अ ड्राइव क्वांटिटी, क्या है? ड्राइव क्वांटिटी। तो मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ, सही है। मैं आपको सबसे पहले ऐसी रिलेशन का फॉर्मूला बता देता हूँ, उसी का ड्राइव करा देता हूँ। देखिए, ऐसी रिलेशन का फॉर्मूला होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इस या आ गया इसका फॉर्मूला, सही है, इसको वेलोसिटी हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड ऐसे रिलेशन। देखें, ये इसका आ गया। अब इसको हम स्टूडेंट्स आप बात कर लेते हैं CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम एंड सिस्टम इंटरनेशनल। इसके बाद वीडियो ख़त्म करेंगे, वीडियो देख लेते हैं आप फटाफट, जल्दी से देखें क्या लिखा हुआ है CGS सिस्टम में। भाई सी जी और एस, इसका मतलब है सेंटीमीटर, सी का, जी का मतलब है यहाँ पर ग्राम, और एस का मतलब है सेकंड, सही है। तो इस सिस्टम में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये तीनों क्या हैं? फंडामेंटल यूनिट्स हैं फॉर लेंथ, मास, टाइम रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहला वाला तो पहला वाला ही होगा, दूसरा वाला तो दूसरा वाला ही होगा, तीसरा वाला है तो तीसरा वाला ही होगा। तो MKS सिस्टम क्या बोलना चाहता है? तो इस सिस्टम में मीटर, M का मतलब, K का मतलब किलोग्राम, और S का मतलब सेकंड, ये फंडामेंटल है तीन, सही है, यूनिट्स है फंडामेंटल, सही है, फॉर लेंथ, मास, टाइम, सही है। आगे चलते हैं।
FPS, F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड और S का मतलब होता है सेकेंड। इंडियन सिस्टम लेंथ फोर्स एंड टाइम सही है। आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर लेंथ फुट फोर्स पाउंड एंड टाइम सेकेंड रिस्पेक्टिवली सही है। एक है तो पहले वाली होगा सही है। आगे चलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। इस सिस्टम में क्या है कि इन दिस सिस्टम 7 क्वांटिटीज हैव बीन एक्सेप्टेड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। भाई देखें इन तीनों सिस्टम में हमारे पास सिर्फ तीन तीन क्वांटिटीज थी फंडामेंटल सही है। तीन तीन फंडामेंटल यूनिट दिए गए हमारे को सही है। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ 7 एक्सेप्टेड हुए ठीक है। दे आर लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। तो ये वीडियो थी, उम्मीद है आपको लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। और आपको बता दूं कि सबसे पहले जब ऐसा यूनिट नहीं आया था इससे पहले हम ये यूनिट इस्तेमाल करते थे। सो समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।